वर्तमान में छात्र छात्राओं के बीच एकता और आध्यात्मिकता के साथ साथ उनमें नैतिकता का गुण भरने के लिए UPSF के द्वारा पूर्णिया के कला भवन में एक दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें कई ख्याति प्राप्त साधु संतों ने प्रवचन दिया और आध्यात्मिकता के साथ साथ एकता और नैतिकता को लेकर हम कैसे एक मजबूत शिक्षण पद्धति को भारत में डेवलप कर सबको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गईं। इस दरमियान मुख्य प्रवक्ता आचार्य सिद्धि विद्यानंद अवधूत जी ने कहा कि आज एकता की जगह हम खंड खंड हो रहे हैं, जबकि हमें मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, मजबूत समाज बनाने के लिए बेहतरीन शिक्षा पद्धति के साथ साथ रोजगार पर पूरा बल देना होगा, छात्र छात्राओं में आत्मबल भरना होगा ताकि वे सरकार पर रोजगार के लिए दबाव बना सकें और शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र छात्राओं को अवश्य रोजगार उपलब्ध हो सके, उन्हें सरकारी नौकरी या फिर अन्य कोई बेहतर रोजगार मिले, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि हम आध्यात्मिकता के साथ साथ एकता और नैतिकता पर बल देते हुए मजबूत शिक्षण पद्धति को अपनाकर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ UPSF के द्वारा पूर्णिया में एक प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस प्रांतीय अधिवेशन के माध्यम से जन समुदाय को बहुत ही मजबूत मैसेज दिया गया है। चेतना का, जागरूकता का, जो वर्तमान समाज में, जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो आज पढ़ रहे हैं और आने वाले समाज में जिसे दुनिया पढ़ेगी, जो आज अपनी शिक्षक की बात सुनते हैं, आने वाले समाज में आने वाला भविष्य उनकी बात सुनेगी, उनका नेतृत्व में हमारा समाज, हमारा नेता, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा विज्ञान, हमारी कला और हमारे मानवीय जीवन के समस्त मूल्यों की अभिव्यक्ति आगे बढ़ेगी। उस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य एक चेतना प्राणी है, चेतनाशील प्राणी है, मनन करता है, वो विचार करता है कि वो कहाँ रहता है, कैसे लोगों के बीच में रहता है, उनके आसपास किस किस प्रकार की घटनाएं घट रही है और उन घटनाओं को वो मंथन करता है, समीक्षा करता है कि इससे हमें क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। उसी समीक्षा के अंतर्गत यह कार्यक्रम रखा गया है कि आप जो समाज के भविष्य हैं, आप जो देश के भविष्य हैं, अपने परिवार के भविष्य हैं, आप अपने जीवन के स्वयं नेता हैं, आपको किस प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए और कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, उसी का ये थोड़ा सा विचार मंथन की एक कड़ी है और उस कड़ी के आप सभी अंश हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की जो मुख्य बिंदु है वो है कि हमें विचार करना है कि विद्यार्थियों के साथ वर्तमान समय में जो देश के राजनेता हैं उनका व्यवहार किस प्रकार से है, जो देश में व्यवस्था है वो व्यवस्था शिक्षा में कितना समस्या बन पाया है और कितना वो व्यवस्था समाधान दे पा रहा है, ये आज की इस विचार गोष्ठी का मुख्य विषय है। चार पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाती हूं। जातिवाद का जंगल है, राजनीति का मंगल है, पूंजीवाद का तिलक लगा है, शोषकों का तो बड़ा मजा है। अभी वर्तमान में जातिवाद के नाम पर जितना शोषण चल रहा है और ये जातिवाद के नाम पर जो शोषण चल रहा है उसमें जो फूल खिले हुए हैं वो राजनीतिक है, राजनीति है, राजनीतिक विचारधाराएं हैं और इसमें जो तिलक लगा है वो पूंजीवादी व्यवस्था का तिलक लगा है और इस पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न जन्म लिए हुए जितने हमारे अच्छे प्रबुद्ध शोषक लोग हैं वो उनका बहुत मजा ही मजा है। ये शोषकों को मजा इसलिए आता है क्योंकि मनुष्य जो है अज्ञानी होते हैं, जितना अज्ञानता रहेगी शोषण उतना चरम सीमा तक जाएगा और जो ज्ञान
ज्यादा शोषक होते हैं आज हमारे वर्तमान समाज में भी और देश दुनिया के बाहर भी। जितनी बुद्धि कुटिल होगी शोषण उतना बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये जो यूपीएसएफ है उनका जो आधार है वो है अध्यात्मवाद। अगर आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर परमात्मा का भाव है, परमपिता परमेश्वर का भाव है, तो आप किसी का शोषण नहीं करेंगे। आपका विवेक शोषण करने से आपको रोक देगा। तो यूपीएसएफ क्या चाहता है? यूपीएसएफ चाहता है नैतिकवान मनुष्य बनाना, नैतिकवान देश को नेता देना, देश को नागरिक देना, समाज को एक अच्छा चरित्रवान नागरिक बना करके उनको देना। ये यूपीएसएफ का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति को आप सब तक पहुंचाने के लिए, आप सबको लाभान्वित करने के लिए आज इस पूर्णिया जिले में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं मुख्य चार ये है यूनिवर्सल प्राउटिश स्टूडेंट फेडरेशन का प्रांतीय अधिवेशन है जो आदित्य कुमार जी ऑर्गेनाइज किए हैं, जो यूपीएसएफ का स्टेट सेक्रेटरी हैं और उनके कमिटी। तो इसका उद्देश्य ही यूपीएसएफ का कि छात्रों के अंदर में नैतिक गुणवत्ता कायम रहे, विद्यार्थी नैतिक मूल्यों पर चले और विद्यार्थियों पर जो शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ वो आवाज़ उठाएँ। क्योंकि आज के समय में विद्यार्थियों को की जो शक्ति को छिन्न विछिन्न कर दी गई है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है अपनी अपनी छात्र यूनियन यूनिवर्सिटी में खड़ा कर चुके हैं और विद्यार्थी एक यूनाइट तो क्या बल्कि वो डिवाइड हो चुके हैं, जिससे उनकी शक्ति छिन्न हो गई है और आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो जो मेन समस्या है विद्यार्थियों का, वो आंदोलन नहीं होने की वजह से आज छात्रों पर शोषण हो रहा है। तो यूपीएसएफ का उद्देश्य है कि देयर शुड बी फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल एंड देयर शुड बी नॉन इंटरफेरेंसेस ऑफ पॉलिटिशियन इन एजुकेशन सेक्टर एंड दी एजुकेशन मस्ट बी गवर्न बाय दी एजुकेशनिस्ट एंड दिस शुड बी जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन एंड आफ्टर एजुकेशन 100% रिक्वायरमेंट शुड बी गारंटेड टू ऑल। सबको 100% रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, यही हमारा यूपीएसएफ का उद्देश्य है। तो हमारे जो छात्रगण हैं वो इसमें लगे हुए हैं बड़ा मुस्तैदी के साथ और भारत में जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, पॉलिटिकल आज़ादी मिली थी, अभी आर्थिक रूप से अभी समृद्धि के लिए हमें आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारे विद्यार्थी लोग प्रवृत्त जो व्यवस्था है सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी जो श्री प्रभात रंजन सरकार ने दिया है, जिन्हें हमें प्रवृत्त प्रणेता कहते हैं, जिन्होंने 1959 में प्रवृत्त दर्शन दिया, उसी पर आधारित प्रगतिशील उपयोग तत्व जिसको कहते हैं, यह प्राउटिश यूनिवर्सल जो स्टूडेंट्स का फेडरेशन है यूपीएसएफ, वह विद्यार्थियों के हित में अपनी शक्ति को बुलंद करना चाहते हैं। उसका उद्देश्य ही है एकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता। आज के समय में लगभग एक शिवहर ऐसा बिहार में एक जगह है, आप वहाँ का अगर पता करेंगे तो सिर्फ शिवहर में एक ही स्टूडेंट्स यूनियन यूपीएसएफ। क्यों है? क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने सोचा कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, तो लोगों जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी उसके छात्र यूनियन इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, तो लोगों ने यूपीएसएफ के साथ मर्ज होकर करके यूपीएसएफ का समर्थन कर दिए और यूपीएसएफ के साथ एक हो गए और वहाँ आंदोलन हुआ, मिनिस्टर के साथ मिले और वहाँ पर आंदोलन करके वहाँ पर डिग्री कॉलेज को ले आए। और आज के समय में विद्यार्थी लोग वहाँ पर इतना सशक्त हैं कि डिग्री कॉलेज में पढ़ाई भी हो रही है। तो उसी प्रकार से हमारी पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और ऐसे भी, तो मैं तो पूरे भारतवर्ष का इंचार्ज हूँ, भारतवर्ष, श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल, इतने में मेरा क्षेत्र चलता है। मैं पार्टिकुलरली जो कन्वेंशन है यूपीएसएफ के बिहार प्रांत का, तो बिहार प्रांत में कंसंट्रेट करने का एक ही मात्र उद्देश्य है, क्योंकि बिहार का सबसे अधिक शोषण हुआ है। देखिए यहाँ की भाषा अंगिका है उसकी मान्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ की भाषा हम अंगिका में बोलेंगे, यहाँ रिकॉग्निशन नहीं है तो हमें इनफीरियरिटी कम्प्लेक्स होगा, हीन मान्यता हमारे अंदर में आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के अंदर में एक भाव आए और वे चाहें कि हमें अपने जो उद्देश्य है, हमारे जो मांगे हैं, उसके लिए उन्हें संघर्ष करना होगा और उसके लिए हमें नैतिकवान बना रहे हैं।
योगासन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, यम नियम का पालन करा करके नैतिक मूल्यों के माध्यम से उन्हें पहले चरित्रवान बनाया जा रहा है। मैं पूर्णिया के विद्यार्थियों के संदेश देना चाहूँगा कि हे विद्यार्थियों, तुम्हारे अंदर में अनंत क्षमता है। सुभाष चंद्र बोस की भाषा में, तुम उसे साधना करके जगा सकते हो, तुम्हारी विजय होगी। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत, मैं UPSF सेक्रेटरी हूँ, दिल्ली सेक्टर, जिसमें चार कंट्री आता है, भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश।